दोस्तों, ये है नोकिया का एक नया फ़ोन जिसमें आज हम देखेंगे ढिंचैक पूजा का एक नया गाना। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं बात करूंगा इस ढिंचैक पूजा के नए गाने के बारे में जिसका नाम है सेल्फी मैंने ले ली आज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस गाने में और इसके पुराने गाने में क्या फ़र्क है और मेरे ओपिनियन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो गाना है वो जुड़ा हुआ है हम सभी के दिलों से। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, दादा, ताई, मामा, पापा, बाप, माँ, बहन, किसी ना किसी ने ये गाना ज़रूर सुना हो। पुराना गाना हिट होने के बाद हमें इसके नए गाने से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि इस गाने में दीपिका होगी, बिपाशा होगी, कटरीना होगी, सनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और पूजा ने इनकी जगह गली के 3 कुत्तों को रख लिया। पूजा का ये नया गाना मातम के गाने से काफी कुछ मिलता जुलता है। गाने में आपको मिलती है एक सैड वाली फीलिंग, ढेर सारा दुख, अगर अपने दिल से पूछूं तो ढेर सारी गालियां। तो आइए एक झलक मारते हैं इसके इस नए गाने पर। तो दोस्तों, ये गाना सुनने के बाद मैं अपने एक कान से बहरा हो चुका हूँ और मेरे फोन ने काम करना बंद कर दिया है। दोस्तों, ये गाना सुनने के बाद अब ये बात तो पक्की है कि मैं अब अपने सभी दुश्मनों को एक ही बार में मार सकता हूँ और अपना बदला पूरा कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने तो अपना बेड बुक करा लिया है ICU में। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने अपना बेड बुक करा लिया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।